नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद रुदीप जी चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको मैं उज्जैन जिसे अवंतिका कहते हैं कहानी सुनाऊंगा। अवंतिका तीन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। एक महाकाल बारे में ज्योतिर्लिंग है, जिसकी शक्ति ऊर्जा से पूरे देश विदेश में एक अलग ही आभा आती है। दूसरे राजा विक्रमादित्य की नगरी, जो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। और तीसरा है यहाँ पे जो सांदीपनी आश्रम, जिन्होंने भगवान कृष्ण और सुदामा को शिक्षा दी। ये ऐसी उज्जैन नगरी है। अब इसमें एक चौथी कड़ी जुड़ी है महाकाल के बाजू से, महाकाल लोक। जी हाँ, महाकाल लोक के आज मैंने दर्शन किए, एक अद्भुत है। शंकर जी की अलग अलग प्रतिमाएँ हैं, अलग अलग भाव भंगिमाएँ हैं। शंकर जी को अलग अलग रूपों में दिखाया गया। शंकर जी की बारात भी निकल रही, इसके साथ सप्तऋषि भी हैं। आपको गणेश जी के भी दर्शन, बहुत ही मनमोहक है। आप एक बार जरूर जाइए उज्जैन, दिन में महाकाल के दर्शन करिए और रात में बिजली की चकाचौंध के बीच में आप महाकाल लोक के दर्शन करिए, तालाब के दर्शन करिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आइए आपको ले चलते हैं उज्जैन महाकाल लोक। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यह है उज्जैन का महाकाल लोक। महाकाल लोक है ये। आओ जय भोले। ये उधर से सामने देखिए, चलेगा ना वो बुढ़िया को दिखा रही ना। हाँ, एक बार मैं मेरी फैमिली के साथ आया था, मैं लड़का इधर तक खो गया था। मेरा लड़का बोला पापा आज के आदमी हूँ मैं। आप अरे बाप रे, जौलपुर में एक कचनार सिटी है, वहाँ शंकर जी 75 फीट ऊंचे हैं। वो तो आस्तक वगैरह कहीं में दिखाया है, बहुत बढ़िया मूर्ति है वो। ये है सप्तऋषि।
ये है महर्षि आत्री। ये महर्षि भारद्वाज। महर्षि विश्वामित्र। महर्षि गौतम। महर्षि जमदाग्नि। महर्षि वशिष्ठ। महर्षि कश्यप।
सफर कोई समझ।